यहाँ पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट देखने के लिए आए हुए हैं और यहाँ हमें बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। हमारे साथ बहुत ही एक्सपर्ट पर्सन जो एक एक क्वेश्चन का आंसर हमें देंगे और हमें बताएंगे कि किस तरह से ये काम करता है, पानी किस तरह से फिल्टर होता है। और यहाँ पर जो जग पड़े हैं, ये जो जग हैं, इस तरह के जग आप लोगों ने देखे होंगे, आपके घर पे भी सप्लाई होते होंगे। तो किस तरह से इसमें जो फिल्टर्ड पानी है जो आप पी सकते हैं, इस तरह का पानी आपके यहाँ किस तरह से पहुँचता है, वो जो है बहुत ही डिटेल में हम लोगों को पता चलेगा। ओके, तो हम लोग अब थोड़े प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे सामने जो दिखाई दे रहा है वो पूरा का पूरा यूनिट है जहाँ पानी फिल्टर होता है। इसकी डिटेल में जानकारी हम लोगों को यहाँ के एक्सपर्ट देंगे। चलिए, आप मुझे ये पूरा जो यूनिट है उसका एक एक जो पार्ट है उसके बारे में आप प्लीज़ हमें बताइए। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसमें पानी इनपुट आता है। तो इसमें पानी इनपुट देने के लिए दो मेथड हम लोग यूज़ कर सकते हैं। या तो हम टंकी से डाल सकते हैं या सीधा बोरिंग वाटर से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो प्लांट है सीधा बोरिंग वाटर से कनेक्टेड है। तो जैसे ही हम लोग बोर ऑन करते हैं तो यहाँ से ये ऑन होता है और ये सबसे पहले जाता है सेडिमेंट सेशन में। तो इसमें से क्या है, पानी के अंदर रही हुई डस्ट वगैरह वो रिमूव होती है, इसके अंदर रह जाती है। ओके, और इसके अंदर पूरे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है जैसे कि पेबल है, सैंड है, उसका यूज होता है। अच्छा, पेबल्स का सैंड का यूज होता है और सेडिमेंटेशन होता है यहाँ, जो इसको नेचुरल फिल्टर बोलते हैं। ओके, ये मैं बता देती हूँ जरा फिर से। तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर सेडिमेंटेशन प्रोसेस होता है, जो सबको पढ़ाई में भी आता है, आप लोगों की बुक्स में भी होता है जो आप अगर स्टूडेंट है। तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन का काम जो है उसका पहला स्टेप जहाँ सेडिमेंटेशन हो रहा है, पेबल्स का यूज किया, नेचुरल चीजें यूज की है। उसके बाद ये जो सेकेंड यूनिट आप जो देख रहे हो उसके अंदर होता है चारकोल होते हैं और पेबल्स होते हैं। पेबल्स वो क्या है, चारकोल पानी में आगे ना चले जाए उसके लिए यूज होता है। और चारकोल का काम होता है, ये एक्टिवेटेड कार्बन बोलते हैं इसे। तो एक्टिवेटेड कार्बन का काम होता है कि पानी के अंदर रही हुई इम्प्योरिटीज को दूर करना। लाइक जैसे कि कोई कलर रह गया, तो पानी में अगर कोई कलर है तो कार्बन वो सोक कर लेता है। ओके, फिर उसके अंदर अगर कोई इम्प्योरिटी जैसे कोई बैड स्मेल रहेगी तो उसको भी कार्बन सोक कर लेता है। ठीक है, हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके आगे का प्रोसेस क्या होता है ज़रा बताइए मुझे। मैम, इसके आगे फिर ये रहेगा, ये भी एक सेडिमेंटेशन है। हाँ, कि इसमें क्या रहेगा, इसमें 0.5 माइक्रोन के फिल्टर्स है। ओके, हाँ, तो जो डस्ट वहाँ से अगर आगे चला जाता है और 0.5 माइक्रोन के नीचे ऊपर का जो भी डस्ट है ये दो फिल्टर में रुक जाएगा। ओके, और उसके बाद ये पानी आता है हाई प्रेशर पंप में। ओके, तो हाई प्रेशर पंप के बाद ये पानी जाता है सीधे मेम्ब्रेन्स में, आरओ मेम्ब्रेन्स में। तो फिर यहाँ से पानी के दो पार्ट हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ से एक सिंगल इनपुट जाएगा। अब बताइए हाथ लगा के, सिंगल इनपुट, यहाँ से सिंगल इनपुट जाएगा। ओके, तो ये दोनों कनेक्टेड है। अच्छा, तो यहाँ से पानी जाएगा तो वो साइड से दोनों कनेक्ट हो जाएगा। तो वहाँ पर जाके देख लेते हैं हम। तो जैसे ये जो है तो यहाँ पे कनेक्टेड है एक दूसरे से। ठीक है, फिर ये इसमें से दो आउटपुट निकलते हैं, एक ये साइड से निकलता है, ये आप देख सकते हैं ये दोनों कनेक्टेड है। ओके, तो वो ये सीधा है, ये हमारा प्रोडक्ट वाटर है यानी कि साफ पानी। ओके, और ये जो पानी जो उस साइड से ये एक आउटपुट निकला है जो सेकंड आउटपुट हम बोलते हैं इसको बोलते हैं वेस्ट वाटर। okay. जो 0.0001 माइक्रोन से ऊपर है। ठीक है, अभी हम आपको एक बताते हैं कि यहाँ पे ये है कि प्रोडक्ट फ्लो एंड रिजेक्ट फ्लो। तो यहाँ से प्रोडक्ट फ्लो यानी कि हम लोग जो साफ पानी लेते हैं तो वो कितना निकल रहा है, मशीन का कैपेसिटी कितना है। okay. और कि एक घंटे में कितना पानी निकल रहा है। अच्छा, तो उसका फ्लो आपको यहाँ पे दिखेगा। अच्छा, जैसे 250 लीटर पर आवर, 500 लीटर पर आवर, 1000 लीटर पर आवर, 1500 लीटर पर आवर, ऐसे आप एक घंटे में कितना पानी निकल रहा है
वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। आपकी मशीन में कितना पानी फ्लो? मैडम ये अभी हम लोग ने 1000 लीटर पे किया हुआ है। ओके। अभी इतना ज्यादा यूज नहीं है तो 1000 लीटर हम लोग 1 घंटे का आउटपुट ले रहे हैं इसमें से। ओके। और इसमें ये जो है तो ये इसमें आपको कितना केजी प्रेशर बन रहा है। अच्छा। वो आपको ये मीटर शो करेगा। ओके। और ये जो है वो आपका रिजेक्ट फ्लो है, तो मतलब कि जो पानी आपका खराब है, जो पानी 0.001 माइक्रोन से नीचे का है, ऊपर का है, वो पानी इसका फ्लो इसमें से आउट रहता है। और ये जो प्रोडक्ट वेस्ट वाटर है उसका उपयोग आप कर सकते हो जैसे प्लांटेशन में। आपका यहाँ वेस्ट वाटर का कहाँ से जा रहा है? वेस्ट वाटर यहाँ से होके मैम पीछे गार्डन है। अच्छा। उसकी तरफ निकल जाता है। ओके, तो वेस्ट वाटर का भी सही उपयोग हो रहा है यहाँ पर। वेरी गुड। फिर इसको हम लोग यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट वाटर है उसको यहाँ पे हम लोग स्टोर करते हैं। ये जो वाटर चीलर है। ओके। जैसे आपको एक एसी टाइप का यूनिट दिख रहा है, वो एक वाटर चीलर है। ओके। जिसको हम लोग पानी ठंडा करने के लिए यूज करते हैं। बराबर। यहाँ पे हम लोग कोई केमिकल वगैरह यूज नहीं करते, कोई गैस वगैरह यूज नहीं करते पानी ठंडा करने के लिए, क्योंकि वो मैम बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। और ये इसका सबसे बेस्ट तरीका है ठंडा करने के लिए। तो पानी ठंडा करने के लिए देखा कितना अच्छा तरीका है, कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं होता, चिल हो जाता है पानी और फिर वो पानी हम लोगों को सप्लाई किया जाता है। और ये टैंक मैम ये नॉर्मल वाटर के लिए, जैसे किसी को ठंडा पानी नहीं चाहिए। अच्छा, तो हम लोग उसमें भी वही पानी स्टोर करके रखते हैं। ओके। चिल हम लोग इसमें करते हैं। हाँ। और इसमें से नॉर्मल वाटर हम लोग सप्लाई करते। बराबर, सही है। फ्रेंड्स, इसके आगे की जानकारी हमें नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, जिसमें हम वाटर स्टोरेज के बारे में, कंटेनर क्लीनिंग के बारे में, TDS के बारे में और PH के बारे में भी आप लोगों को जानकारी देंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे शेयर करना और नेक्स्ट वीडियो देखना भूलना नहीं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।